जैविक धान खेती का अवलोकन। जैविक धान की खेती सिंथेटिक रसायनों, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों या हानिकारक कीटनाशकों के उपयोग के बिना चावल की खेती करने का एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण है। यह मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने, जैव विविधता को बढ़ावा देने और चावल की खेती की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। जैविक धान की खेती पर्यावरण को संरक्षित करते हुए चावल की फसल के समग्र स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक आदानों, फसल चक्र और एकीकृत कीट प्रबंधन तकनीकों के उपयोग पर जोर देती है। जैविक धान की खेती के लिए उपयुक्त प्रजातियां। सफल जैविक धान खेती के लिए चावल की सही किस्मों का चयन करना महत्वपूर्ण है। स्वदेशी और पारंपरिक चावल की किस्में अक्सर स्थानीय परिस्थितियों के लिए अधिक अनुकूलित होती हैं और उनमें कीटों और बीमारियों के प्रति बेहतर लचीलापन होता है। दक्षिण भारत में जैविक धान की खेती के लिए चावल की कुछ उपयुक्त किस्मों में शामिल है सोना मसूरी, एक लोकप्रिय किस्म जो अपनी मध्यम दाने वाली बनावट और उत्कृष्ट खाना पकाने की गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। यह विभिन्न बढ़ती परिस्थितियों के लिए अनुकूल है और जैविक खेती के लिए उपयुक्त है। नवारा, औषधीय गुणों और उच्च पोषण मूल्य वाली एक स्वदेशी चावल की किस्म। यह कीटों और बीमारियों के प्रति लचीलापन प्रदर्शित करता है जो इसे जैविक खेती के लिए आदर्श बनाता है। मट्टा चावल, केरल रेड राइस। केरल की इस पारंपरिक चावल की किस्म में एक अनोखा लाल भूरा रंग और अखरोट जैसा स्वाद है। यह कीटों और बीमारियों के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता के लिए जाना जाता है जो इसे जैविक खेती के लिए उपयुक्त बनाता है। बीपीटी 5204 बीपीटी कलारता, एक उच्च उपज देने वाली और रोग प्रतिरोधी किस्म जो जैविक धान की खेती के लिए उपयुक्त है। किचली सांबा, एक सुगंधित छोटे दाने वाली चावल की किस्म जो अपने स्वाद और जैविक कृषि पद्धतियों के अनुकूल होने के कारण तमिलनाडु में पसंद की जाती है। जैविक धान की खेती के लिए खुबा उत्पादों का परिचय। खुबा सॉइल कंडीशन, सामग्री और घटक। खुबा सॉइल कंडीशन एक जैविक खनिज आधारित उर्वरक है जिसे जड़ वितरण के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ह्यूमिक एसिड, कार्बनिक कार्बन, सिलिकॉन, बोरान, मैंगनीज, लोहा, तांबा, अमीनो एसिड, फुल्विक एसिड, सल्फर और कई अन्य ट्रेस तत्व शामिल है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बैक्टीरिया भी शामिल है। जैविक धान उगाने के लिए उपयुक्तता। खुबा सॉइल कंडीशन जैविक धान की खेती के लिए अत्यधिक फायदेमंद है। इसकी खनिज संरचना स्वस्थ चावल के पौधे के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। यह मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है, जल धारण क्षमता को बढ़ाता है और पौधों की जोरदार वृद्धि और उपज में वृद्धि को बढ़ावा देता है। पोषक तत्वों की निरंतर रिहाई हानिकारक रासायनिक अवशेषों के बिना एक स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करती है। गुणवत्ता गुण। खुबा सॉइल कंडीशन धान के पौधों के समग्र स्वास्थ्य और शक्ति को बढ़ाता है जिससे वे कीड़ों के संक्रमण और बीमारियों के प्रति अधिक लचीले हो जाते हैं। यह मिट्टी में एक अच्छी तरह से संतुलित खनिज प्रोफाइल सुनिश्चित करता है जिससे पोषक तत्वों से भरपूर और उच्च गुणवत्ता वाले चावल के दाने बनते हैं। कंडीशन की हाइड्रोस्कोपिक प्रकृति पौधों को ठंडा वातावरण और गतिशील जल आपूर्ति बनाए रखती है। खुबा सॉइल बूस्टर, सामग्री और घटक। खुबा सॉइल बूस्टर एक प्राकृतिक और जैविक मिट्टी संशोधन उत्पाद है। इसमें नीम अजादिराक्ता इंडिका बीज, कार्बनिक कार्बन, ट्राइकोडर्मा जैसे जैव एजेंट, ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड और समुद्री शैवाल के अर्क का एक अनूठा मिश्रण शामिल है। जैविक धान उगाने के लिए उपयुक्तता। खुबा सॉइल बूस्टर जैविक धान की खेती के लिए उपयुक्त है। प्राकृतिक तत्व माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ाते हैं, बीजों की सुरक्षा करते हैं, जड़ों के विकास को बढ़ावा देते हैं
और पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करते हैं। नीम की उपस्थिति कीटों को दूर रखती है और रासायनिक कीटनाशकों का पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रदान करती है। गुणवत्ता गुण, खुबा सॉइल बूस्टर मिट्टी की उर्वरता और संरचना में सुधार करता है, जिससे धान के पौधे स्वस्थ और अधिक लचीले होते हैं। यह अंकुरों को जल्दी स्थापित करने में सहायता करता है और जोरदार वनस्पति विकास का समर्थन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर फूल आते हैं, उपज का वजन बढ़ता है और अनाज की गुणवत्ता में सुधार होता है। खुबा ग्रोथ सामग्री और घटक। खुबा ग्रोथ प्रमोटर घुलनशील पौधे के विकास को बढ़ावा देने वाला उत्पाद है। इसमें विभिन्न आवश्यक अमीनो एसिड सहित समुद्री शैवाल का अर्क, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड का मिश्रण होता है। जैविक धान उगाने के लिए उपयुक्तता। खुबा ग्रोथ प्रमोटर की खेती के लिए उपयुक्त है। इसकी पानी में घुलनशील प्रकृति चावल के पौधों द्वारा आसान अनुप्रयोग और अवशोषण की अनुमति देती है, जिससे स्वस्थ विकास और बेहतर फूल को बढ़ावा मिलता है। गुणवत्ता गुण, खुबा ग्रोथ प्रमोटर वृद्धि को बढ़ाता है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करता है और धान के पौधों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। अमीनो एसिड और अन्य लाभकारी घटक फूलों और उपज की गुणवत्ता में वृद्धि का समर्थन करते हैं। इस उत्पाद के नियमित उपयोग से उच्च उत्पादकता और बेहतर फसल लचीलापन प्राप्त होता है। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल विशेष रूप से उन किसानों के लिए डिजाइन किया गया है जो जैविक खेती के तरीकों को अपनाते हैं और निवारक देखभाल के माध्यम से अपनी फसलों की सुरक्षा करना चाहते हैं। सामग्री और घटक। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल प्राकृतिक पौधों के स्रोतों से प्राप्त होता है। इसमें कीटनाशक, एंटीफंगल और जड़ी बूटी गुणों वाले विभिन्न सक्रिय घटक होते हैं। इसमें एजाडायरेक्टिन, सिट्रल, सिट्रोनेलोल, लिनालूल, गेरानिल एसिटेट, लिनालिल एसिटेट, मेंथोल, मेंथोन, गेरानियोल, पिनीन, लिमोनिन, ओसिमीन, टेरपेनोलिन, टेरपिनोल और मिथाइल हेप्टानोन शामिल है। जैविक धान उगाने के लिए उपयुक्तता। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल जैविक धान की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, क्योंकि यह रासायनिक कीटनाशकों और कीटनाशकों के लिए एक पर्यावरण अनुकूल और गैर विषैले विकल्प प्रदान करता है। यह पर्यावरण या मानव स्वास्थ्य के स्वास्थ्य से समझौता किए बिना हानिकारक कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद करता है। गुणवत्ता गुण। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल जैविक धान की खेती में एक निवारक देखभाल उपाय के रूप में कार्य करता है। धान के पौधों को कीड़ों के संक्रमण और फंगल रोगों जैसे संभावित खतरों से सक्रिय रूप से बचाता है। यह पानी के वाष्पीकरण में बाधा के रूप में भी कार्य करता है, पौधों को अतिरिक्त गर्मी से बचाता है, इष्टतम वृद्धि और विकास सुनिश्चित करता है। निष्कर्ष। जैविक धान खेती पद्धतियों को अपनाकर और खुबा उत्पादों जैसे खुबा सॉइल कंडीशन, खुबा सॉइल बूस्टर, खुबा ग्रोथ प्रमोटर हॉर्टिकल्चर ऑयल को शामिल करके दक्षिण भारत के किसान टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल चावल की खेती प्राप्त कर सकते हैं। ये उत्पाद आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, पौधों की वृद्धि को बढ़ाते हैं और धान के पौधों को कीटों और बीमारियों से बचाते हैं। उपयुक्त चावल की किस्मों और प्राकृतिक आदानों के उपयोग से जैविक धान किसान पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण में योगदान करते हुए पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता वाले चावल के अनाज पैदा करके स्वस्थ और अधिक उत्पादक फसलें प्राप्त कर सकते हैं। हमने किसानों के लाभ के लिए निम्नलिखित विषयों पर अधिक जानकारी प्रदान की है। धान की बुआई एवं नर्सरी, प्रत्यारोपण और रिक्ति, पोषक तत्वों की उपलब्धता, पौधों की वृद्धि और सुगंध को बढ़ावा देना, धान का उत्पादन बढ़ाना, धान की खेती, सहयोगी पौधों और मछली एकीकरण के साथ सामंजस्यपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जैविक कीट नियंत्रण,
धान की खेती में रोग प्रतिरोधक क्षमता और रोग निवारक साथी पौधों को बढ़ावा देना। जलवायु संबंधी विविधताएं, फसल चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैव विविधता को बढ़ावा देना और मिट्टी को समृद्ध करना। धान की खेती में आक्रामक पौधों की सूची और उनकी रोकथाम। खुबा उत्पादों का अनुशंसित न्यूनतम अनुप्रयोग। उल्लेखनीय परिणाम देखने के लिए इन सरल दिशा निर्देशों का पालन करें। 100 वर्ग फुट के प्रति भूखंड में बीज बोना और नर्सरी तैयार करना। बीज बोने से 15 से 20 दिन पहले कम से कम 3 किलोग्राम खुबा सॉइल कंडीशनर और 300 ग्राम खुबा सॉइल बूस्टर का उपयोग करें। खुबा सॉइल कंडीशनर पाउडर या दानेदार रूप में उपलब्ध है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए रोपाई से लगभग 2 से 3 सप्ताह पहले भूमि की तैयारी के दौरान इच्छानुसार कम से कम 12 बैग या अधिक डालें। खुबा सॉइल बूस्टर 1. बुआई के समय खुबा सॉइल बूस्टर का 1 बैग प्रति एकड़ डालें। 2. बुआई के 60 दिन बाद खुबा सॉइल बूस्टर का 1 बैग प्रति एकड़ डालें। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर हॉर्टिकल्चर ऑयल 1. फूल आने के 12 दिन पहले 250 ग्राम खुबा ग्रोथ प्रोमोटर नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल का छिड़काव करें। 2. फूल आने के 10 दिन बाद 250 ग्राम खुबा ग्रोथ प्रोमोटर नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल का छिड़काव करें। 3. इसके बाद 6 दिन के अंतराल पर 250 ग्राम खुबा ग्रोथ प्रोमोटर कम 4 बार छिड़काव करें। किसानों के पास स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर छिड़काव और भीगने के बीच वैकल्पिक रूप से आवेदन करने और अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार आवेदन करने की सुविधा है। इसके अलावा हम मिट्टी के स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए गाय आधारित उत्पादों जैसे जीवामृत और गोकृपामृत को शामिल करने की सलाह देते हैं। गाय के गोबर और गोमूत्र से प्राप्त इन उत्पादों में लाभकारी सूक्ष्मजीव और पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी की समग्र उर्वरता और जीवन शक्ति में योगदान करते हैं। जैविक उर्वरकों के रूप में जीवामृत और गोकृपामृत का उपयोग करने से मिट्टी की संरचना, पोषक तत्वों की उपलब्धता और माइक्रोबियल गतिविधि में सुधार हो सकता है, जिससे अंततः वृद्धि और विकास को लाभ हो सकता है। हम यह भी सलाह देते हैं कि आपके खेतों में विभिन्न मोनोकॉट, डाइकॉट और तेल के बीजों की बुआई करके अप्रयुक्त अवधि का उपयोग करें। आप प्रत्येक प्रकार के 3 किलोग्राम बीज और अतिरिक्त 5 किलोग्राम विभिन्न बीज बो सकते हैं। इन पौधों को बढ़ने दें और फिर फूल आने से पहले 45वें और 50वें दिन के बीच उन्हें वापस मिट्टी में मिला दें। यह अभ्यास आपके खेतों को विविधता और प्राकृतिक हरी खाद प्रदान करता है, मिट्टी को समृद्ध करता है और समग्र मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यह आक्रामक पौधों को भी रोकता है, कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करता है और बीमारी से बचने में मदद करता है। अप्रयुक्त अवधि के दौरान विविध पौधों की प्रजातियों को शामिल करके और जीवामृत और गोकृपामृत जैसे गाय आधारित उत्पादों का उपयोग करके किसान मिट्टी की उर्वरता बढ़ा सकते हैं, जैव विविधता को बढ़ावा दे सकते हैं और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे सकते हैं। ये प्रथाएं स्वस्थ फसलों में योगदान करती हैं और समग्र कृषि उत्पादकता में सुधार करती हैं। कीमतें, खुबा मृदा कंडीशनर जैविक उर्वरक पाउडर स्वरूप 50 किलोग्राम बैग कीमत ₹1,000, दानेदार रूप 50 किलोग्राम बैग कीमत ₹1,200, खुबा सॉइल बूस्टर 5 किलोग्राम का बैग कीमत ₹750, विकास प्रवर्तक 500 ग्राम का पैकेट कीमत ₹550, नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल 1 लीटर की बोतल कीमत ₹900। इन कीमतों में कर्नाटक में कहीं भी परिवहन शुल्क शामिल है, यानी आपके निकटतम विजय आनंद रोड लाइंस शाखा तक या हमारे डीलर के स्टॉक पॉइंट तक।
नोट, कीमतें सांकेतिक हैं और कभी भी बदल सकती हैं। इसलिए खरीदारों से अनुरोध है कि वे खरीदारी के समय कीमतों की पुष्टि करें। अन्य राज्यों के किसान कृपया हमसे संपर्क करें। जैविक तरीके से धान की बुआई और नर्सरी, इष्टतम विकास और उपज के लिए खुबा उत्पादों का उपयोग। जैविक धान की खेती में बीज बोना और नर्सरी तैयार करना महत्वपूर्ण कदम है। एक अच्छी तरह से तैयार की गई नर्सरी स्वस्थ अंकुर, मजबूत जड़ प्रणाली और जोरदार विकास सुनिश्चित करती है, जो एक सफल धान की फसल की नींव तैयार करती है। खुबा उत्पादों को नर्सरी प्रक्रिया में शामिल करके किसान बीज के अंकुरण को बढ़ा सकते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा में सुधार कर सकते हैं और समग्र पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे उच्च पैदावार और बेहतर गुणवत्ता वाले चावल के दाने प्राप्त हो सकते हैं। चरण एक, बीज का चयन और पूर्व उपचार। सफल जैविक धान की खेती के लिए उपयुक्त चावल की किस्मों से उच्च गुणवत्ता वाले बीज का चयन करना आवश्यक है। बीज विश्वसनीय स्रोतों, अधिमानतः जैविक या पारंपरिक बीज बैंकों से प्राप्त किए जाने चाहिए। बुआई से पहले अंकुरण दर बढ़ाने के लिए बीजों का पूर्व उपचार किया जा सकता है। इसमें अंकुरण प्रक्रिया को शुरू करने के लिए बीजों को 24 घंटे तक पानी में भिगोना शामिल हो सकता है। चरण दो, बीज बिस्तर तैयार करना। मिट्टी की जुताई करके और किसी भी खरपतवार या मलबे को हटाकर बीज बिस्तर तैयार करें। मिट्टी अच्छी जल निकासी वाली और कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होनी चाहिए। सिंथेटिक उर्वरकों या कीटनाशकों के उपयोग से बचें, क्योंकि वे जैविक सिद्धांतों में बाधा डाल सकते हैं। चरण तीन, खुबा उत्पाद का प्रयोग। बुआई से कम 2 से 3 सप्ताह पहले बीज क्यारी में खुबा सॉइल कंडीशन और मृदा बूस्टर लगाएं। जैविक खनिज आधारित उर्वरक मिट्टी को आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों, ह्यूमिक एसिड और कार्बनिक कार्बन से समृद्ध करेगा। यह मिट्टी की जल धारण क्षमता को भी बढ़ाएगा, बीज के अंकुरण और शीघ्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा। चरण चार, बुआई और रोपण। बीज बिस्तर अच्छी तरह से तैयार होने के बाद पूर्व उपचारित बीजों को समान रूप से बोएं। जैविक धान की खेती में बेहतर बीजारोपण और विकास को बढ़ावा देने के लिए इस चरण के दौरान खुबा सॉइल कंडीशन की थोड़ी अधिक खुराक का उपयोग करने पर विचार करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि महत्वपूर्ण प्रारंभिक विकास अवधि के दौरान बीजों को पोषक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त होगी। चरण पाँच, पानी देना और रखरखाव। नियमित रूप से पानी देकर बीज क्यारी में उचित नमी का स्तर बनाए रखें। जैविक धान को विकास के प्रारंभिक चरण में पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। सुनिश्चित करें कि पानी रासायनिक संदूषकों या प्रदूषकों से मुक्त है। बीज बोने और नर्सरी में खुबा उत्पादों के उपयोग के लाभ। उन्नत अंकुरण, बीज में खुबा मृदा कंडीशन के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है, जिससे बीज का अंकुरण बेहतर होता है और अंकुरों का जल्दी विकास होता है। पोषक तत्वों से भरपूर वातावरण, खुबा सॉइल कंडीशन और खुबा सॉइल बूस्टर पौधों को आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्व, ह्यूमिक एसिड और कार्बनिक पदार्थ प्रदान करते हैं, जो स्वस्थ जड़ विकास और जोरदार विकास का समर्थन करते हैं। उच्च उपज क्षमता, नर्सरी से अच्छी तरह से स्थापित और स्वस्थ अंकुर खुबा उत्पादों द्वारा बढ़ावा, उच्च उपज क्षमता रखते हैं और कीटों और बीमारियों का प्रतिरोध करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं, जिससे रासायनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता कम हो जाती है। पर्यावरणीय स्थिरता, जैविक उत्पादों के रूप में खुबा सॉइल कंडीशनर, सॉइल बूस्टर और ग्रोथ प्रोमोटर स्वास्थ्य और जैव विविधता को संरक्षित करते हुए टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। बेहतर मिट्टी की संरचना, खुबा उत्पादों में कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमिक एसिड मिट्टी की संरचना, जल प्रतिधारण और पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करते हैं,
जिससे उपजाऊ और उत्पादक मिट्टी पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। गैर विषैले और सुरक्षित खुबा उत्पाद हानिकारक रासायनिक अवशेषों से मुक्त हैं, जो उन्हें पर्यावरण, कृषि श्रमिकों और उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित बनाते हैं। जैविक नर्सरी प्रथाओं को अपनाने और खुबा उत्पादों को शामिल करके किसान अपनी धान की फसल के लिए एक मजबूत आधार स्थापित कर सकते हैं, जिससे उनकी जैविक धान खेती यात्रा में स्वस्थ, अधिक उत्पादक और उच्च गुणवत्ता वाले चावल की पैदावार हो सकती है। जैविक तरीके से धान की रोपाई और अंतर पोषक तत्वों की उपलब्धता और वृद्धि में वृद्धि के लिए खुबा उत्पादों का उपयोग। जैविक धान की खेती में रोपाई एक महत्वपूर्ण चरण है, जहां नर्सरी से पौधों को आगे की वृद्धि और विकास के लिए मुख्य क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। खुबा उत्पादों के उपयोग के साथ साथ उचित प्रत्यारोपण तकनीक स्वस्थ और मजबूत धान के पौधों को सुनिश्चित करने, पोषक तत्वों की उपलब्धता को अधिकतम करने और समग्र फसल विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चरण एक, खेत की तैयारी। रोपाई से पहले मुख्य खेत को जुताई करके और मिट्टी को समतल करके तैयार करें। किसी भी खरपतवार या मलबे को हटा दे और सुनिश्चित करे कि जल भराव की समस्या से बचने के लिए मिट्टी अच्छी तरह से सूखा हो। चरण दो, खुबा उत्पादों का प्रयोग। रोपाई से कम 2 से 3 सप्ताह पहले तैयार खेत में खुबा सॉइल कंडीशन और मृदा बूस्टर लगाएं। जैविक खनिज आधारित उर्वरक मिट्टी को आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों, ह्यूमिक एसिड और कार्बनिक कार्बन से समृद्ध करेगा। यह पोषक तत्वों से भरपूर वातावरण बनाता है, जिससे रोपे गए धान के पौधों के लिए बेहतर पोषक तत्व उपलब्धता में मदद मिलती है। चरण तीन, पौध तैयार करना। रोपाई के लिए नर्सरी से स्वस्थ और मजबूत पौध का चयन करें। पौध होनी चाहिए विकसित मजबूत जड़ प्रणाली और लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर यानी 5 से 8 इंच ऊंचाई होती है। चरण चार, पौध की रोपाई। चयनित पौध को मुख्य खेत में रोपें। पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखें ताकि उन्हें बढ़ने और पर्याप्त धूप मिल सके। भीड़ भाड़ से बचें, क्योंकि इससे संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा हो सकती है। चावल के रोपण में आवश्यक न्यूनतम दूरी विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें खेती की जाने वाली चावल की किस्म, मिट्टी का प्रकार, जलवायु और उपयोग की जाने वाली कृषि पद्धतियां शामिल हैं। आम तौर पर चावल को पौधों के बीच एक विशिष्ट दूरी के साथ पंक्तियों में उगाया जाता है। पारंपरिक बाड़ वाले चावल के खेतों में, जहां पानी का उपयोग खरपतवारों को नियंत्रित करने और पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है, अंतराल आमतौर पर व्यापक होता है। पंक्तियों के बीच की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर 8 से 12 इंच तक हो सकती है और पंक्तियों के भीतर अलग अलग पौधों के बीच की दूरी लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर 6 से 10 इंच तक हो सकती है। ऊपरी भूमि पर चावल की खेती में, जहां खेतों में पानी नहीं भरता है, भूमि उपयोग को अधिकतम करने और पैदावार बढ़ाने के लिए अंतर करीब हो सकता है। पंक्तियों के बीच की दूरी लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर 6 से 8 इंच हो सकती है और पंक्तियों के भीतर अलग अलग पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर 4 से 6 इंच तक हो सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्थानीय कृषि पद्धतियों और कृषि विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर विशिष्ट अंतर भिन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त आधुनिक चावल खेती तकनीकों जैसे संकर या उन्नत किस्मों के उपयोग में विशिष्ट अंतर की आवश्यकताएं हो सकती हैं। चावल की खेती के लिए उचित दूरी तय करते समय किसानों को मिट्टी की उर्वरता, पानी की उपलब्धता और समग्र प्रबंधन प्रथाओं जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए। उचित दूरी यह सुनिश्चित करती है कि चावल के पौधों को प्रकाश, पानी और पोषक तत्वों तक पर्याप्त पहुंच मिले, जो उनके स्वस्थ विकास और अधिकतम उपज के लिए आवश्यक है। चरण पाँच,
खूबा सॉइल बूस्टर और खूबा ग्रोथ प्रोमोटर बूस्ट रोपाई चरण के दौरान और विकास के शुरुआती चरण में प्रत्यारोपित धान के पौधों की वृद्धि और विकास को और अधिक समर्थन देने के लिए खूबा सॉइल बूस्टर और खूबा ग्रोथ प्रमोटर लागू ग्रोथ। खूबा सॉइल बूस्टर। खूबा सॉइल बूस्टर में नीम के बीज, कार्बनिक कार्बन और अन्य जैव एजेंटों का प्राकृतिक मिश्रण जड़ विकास को बढ़ाता है, पोषक तत्वों की मात्रा में सुधार करता है और प्रत्यारोपित पौधों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। नीम के बीज का घटक एक प्राकृतिक कीट निवारक के रूप में कार्य करता है, जिससे धान के युवा पौधों में कीट संक्रमण की संभावना कम हो जाती है। कार्बनिक कार्बन स्वस्थ जड़ प्रणालियों के विकास का समर्थन करता है, जिससे कुशल पोषक तत्व अवशोषण और पानी ग्रहण करने में मदद मिलती है। खुबा ग्रोथ। इस पानी में घुलनशील उत्पाद में समुद्री शैवाल का अर्क, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड होता है, जो स्वस्थ पौधों के विकास को बढ़ावा देता है, फूलों को बढ़ाता है और धान की फसल की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाता है। समुद्री शैवाल का अर्क आवश्यक ट्रेस तत्व, विकास हार्मोन और प्राकृतिक जैवोत्तेजक प्रदान करता है, जो प्रत्यारोपित पौधों की वृद्धि और विकास को बढ़ाता है। ह्यूमिक एसिड पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करता है और मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, जिससे जल प्रतिधारण और पोषक तत्वों की उपलब्धता बेहतर होती है। ग्रोथ प्रोमोटर अमीनो एसिड प्रोटीन संश्लेषण और समग्र पौधों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धान की रोपाई में खुबा उत्पादों के उपयोग के लाभ। पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि। खुबा मृदा कंडीशन का पहले से उपयोग मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्वों और ह्यूमिक एसिड से समृद्ध करता है। इसके परिणाम स्वरूप रोपे गए धान के पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार होता है, जिससे उनकी इष्टतम वृद्धि और विकास सुनिश्चित होता है। जोरदार विकास। खुबा सॉइल बूस्टर और खुबा ग्रोथ प्रोमोटर में सहायता करते हैं, पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाते हैं और समग्र पौधे के विकास को प्रोत्साहित करते हैं। इससे धान के पौधे मजबूत और सशक्त बनते हैं, जिससे वे पर्यावरणीय तनावों का सामना करने में सक्षम होते हैं। उच्च उपज क्षमता। खुबा उत्पादों के समर्थन से प्रत्यारोपित धान के पौधों में लचीलापन, उच्च उपज क्षमता और कीटों और बीमारियों के प्रति बेहतर प्रतिरोध बढ़ गया है। बेहतर पोषक तत्व ग्रहण और समग्र पौधों का स्वास्थ्य बेहतर अनाज निर्माण और बढ़ी हुई उपज में योगदान देता है। सतत खेती। खुबा उत्पाद जैविक और पर्यावरण के अनुकूल है, जो टिकाऊ कृषि पद्धतियों में योगदान करते हैं। हानिकारक रसायनों से बचकर किसान अपने खेतों की दीर्घकालिक उत्पादकता सुनिश्चित करते हुए मिट्टी के स्वास्थ्य और जैव विविधता को संरक्षित करते हैं। बेहतर मृदा संरचना। खुबा मृदा कंडीशन को शामिल करने से मिट्टी की संरचना, जल प्रतिधारण और पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि होती है, जिससे उपजाऊ और उत्पादक मिट्टी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। बेहतर मिट्टी संरचना धान के पौधों द्वारा बेहतर जड़ विकास और पोषक तत्वों के अवशोषण की सुविधा प्रदान करती है। किसानों और उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित। खुबा उत्पाद गैर विषैले हैं और हानिकारक रासायनिक अवशेषों से मुक्त है, जो किसानों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। जैविक खेती पद्धतियां बिना किसी जोखिम के स्वस्थ खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देती है। खुबा उत्पादों के साथ धान उत्पादन बढ़ाना, पोषक तत्वों की उपलब्धता, पौधों की वृद्धि और सुगंध सामग्री को बढ़ावा देना। खुबा उत्पाद जिनमें खुबा सॉइल कंडीशन, सॉइल बूस्टर, ग्रोथ प्रोमोटर, हॉर्टिकल्चर ऑयल शामिल है, कई लाभ प्रदान करते हैं, जो कुपोषण को दूर कर सकते हैं, धान के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और धान के पौधों में सुगंध सामग्री को संभावित रूप से बढ़ा सकते हैं। आइए देखें कि इनमें से प्रत्येक उत्पाद पोषक तत्वों की उपलब्धता, मिट्टी के स्वास्थ्य, पौधों के विकास को बढ़ावा देने, तनाव सहनशीलता,
बीमारी की रोकथाम और धान की समग्र उपज में कैसे योगदान देता है, जिससे अंततः धान के पौधों की बनावट, सुगंध और आकार में सुधार होता है। खुबा सॉइल कंडीशन, पोषक तत्वों की उपलब्धता। खुबा सॉइल कंडीशन आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों, ह्यूमिक एसिड और कार्बनिक कार्बन से समृद्ध है। जब इसे मिट्टी में लगाया जाता है तो यह पोषक तत्वों को समृद्ध करता है और धान के पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करता है। यह सुनिश्चित करता है कि पौधों को उनकी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक तत्वों तक पहुंच प्राप्त हो। मृदा स्वास्थ्य, खुबा सॉइल कंडीशन को शामिल करने से मिट्टी की संरचना, जल धारण क्षमता और माइक्रोबियल गतिविधि में सुधार करके मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह लाभकारी मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है, जो पोषक तत्वों के चक्रण में सहायता करता है और समग्र मिट्टी की उर्वरता में योगदान देता है। पौधों के विकास को बढ़ावा, खुबा सॉइल कंडीशन में संतुलित पोषक तत्व संरचना और ह्यूमिक एसिड स्वस्थ जड़ विकास, पोषक तत्वों के अवशोषण और समग्र पौधों के विकास को बढ़ावा देते हैं। यह मजबूत वनस्पति विकास का समर्थन करता है, जिससे धान के पौधों में बायोमास और उपज क्षमता में वृद्धि होती है। खुबा सॉइल बूस्टर, पोषक तत्वों की उपलब्धता। खुबा सॉइल बूस्टर में नीम के बीज, कार्बनिक कार्बन और जैव एजेंटों का मिश्रण होता है। यह जड़ वृद्धि में सुधार, पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाकर और धान के पौधों द्वारा कुशल पोषक तत्वों के उपयोग की सुविधा प्रदान करके पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। नीम के बीज का घटक कीटों के खिलाफ एक प्राकृतिक निवारक के रूप में भी काम करता है, जो परोक्ष रूप से पौधों को कीटों के कारण होने वाले पोषक तत्वों के नुकसान से बचाता है। तनाव सहनशीलता, खुबा सॉइल बूस्टर में कार्बनिक कार्बन और जैव एजेंट धान के पौधों की तनाव सहनशीलता में सुधार करने में मदद करते हैं। वे सूखे, लवणता और तापमान में उतार चढ़ाव जैसे पर्यावरणीय तनावों से निपटने के लिए पौधों की क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे पौधे स्वस्थ और अधिक लचीले बनते हैं। रोग की रोकथाम, खुबा सॉइल बूस्टर में मौजूद जैव एजेंट लाभकारी रोगाणुओं के विकास को बढ़ावा देने और मिट्टी में हानिकारक रोगजनकों को दबाकर रोग की रोकथाम में योगदान करते हैं। इससे बीमारियों का खतरा कम हो जाता है और धान के पौधों का समग्र स्वास्थ्य बेहतर होता है। धान की उपज, पोषक तत्वों की उपलब्धता, तनाव सहनशीलता और बीमारी की रोकथाम में सुधार करके खुबा सॉइल बूस्टर अप्रत्यक्ष रूप से धान की उपज बढ़ाने में योगदान देता है। स्वस्थ और अधिक सशक्त पौधों की उपज क्षमता अधिक होती है और वे पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। खुबा ग्रोथ, पोषक तत्वों की उपलब्धता। खुबा ग्रोथ समुद्री शैवाल के अर्थ, ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड के मिश्रण के साथ धान के पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है। समुद्री शैवाल का अर्थ आवश्यक ट्रेस तत्व, विकास हार्मोन और प्राकृतिक जैवोत्तेजक प्रदान करता है, जिससे पौधों द्वारा इष्टतम पोषक तत्व ग्रहण सुनिश्चित होता है। पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देना, खुबा ग्रोथ प्रोमोटर एसिड, ह्यूमिक एसिड और समुद्री शैवाल का अर्क पौधों की वृद्धि को उत्तेजित करता है, जड़ के विकास में सुधार करता है और पौधों की समग्र शक्ति को बढ़ाता है। यह स्वस्थ वनस्पति विकास, जल्दी फूल आने और धान के पौधों में बायोमास संचय को बढ़ावा देता है। तनाव सहनशीलता, खुबा ग्रोथ प्रमोटर को बढ़ावा देने वाले पदार्थ धान के पौधों को विभिन्न पर्यावरणीय तनावों जैसे सूखा, लवणता और पोषक तत्वों की कमी से निपटने में मदद करते हैं। वे प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुकूल पौधों की क्षमता में सुधार करते हैं और उपज के नुकसान को कम करते हैं। सुगंध सामग्री, जबकि धान के पौधों में सुगंध सामग्री पर खुबा उत्पादों का सीधा प्रभाव विशिष्ट विविधता और आनुवंशिक कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है, पौधों के स्वास्थ्य,
शक्ति और तनाव सहनशीलता में समग्र सुधार अप्रत्यक्ष रूप से बेहतर सुगंध विकास में योगदान देता है। स्वस्थ और तनाव मुक्त पौधों में बेहतर सुगंधित गुणों वाले अनाज पैदा करने की क्षमता होती है। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल, रोग की रोकथाम। खुबा उत्पादों में नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल एक कीटनाशक के रूप में कार्य करता है और इसमें रोगाणुरोधी गुण होते हैं। यह धान के पौधों में कीड़ों के संक्रमण को रोकने और फंगल और जीवाणु रोगों को नियंत्रित करने में मदद करता है। पौधों को कीटों और बीमारियों से बचाकर यह सुनिश्चित करता है कि पौधे वृद्धि और विकास के लिए अधिक संसाधन आवंटित कर सकें। तनाव सहनशीलता। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल के कीटनाशक और रोगाणुरोधी गुण धान के पौधों पर कीट क्षति और बीमारी के प्रकोप के कारण होने वाले तनाव को कम करने में सहायता करते हैं। तनाव को कम करके तेल बेहतर विकास, तनाव सहनशीलता और समग्र पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। बनावट और आकार। जबकि बनावट और आकार पर नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल का प्रभाव अप्रत्यक्ष हो सकता है, कीटों और बीमारियों को रोकने में इसकी भूमिका बेहतर अनाज की गुणवत्ता में योगदान कर सकती है। स्वस्थ पौधे हैं, वांछनीय बनावट, आकार और दृश्य अपील के साथ अनाज विकसित होने की अधिक संभावना है। संक्षेप में, जैविक धान की खेती में खुबा उत्पादों का उपयोग पोषक तत्वों की उपलब्धता, मिट्टी के स्वास्थ्य, पौधों के विकास को बढ़ावा देने, तनाव सहनशीलता, बीमारी की रोकथाम और समग्र धान की उपज को संबोधित करता है। इन पहलुओं को बढ़ाकर उत्पाद अप्रत्यक्ष रूप से धान के पौधों में बनावट, सुगंध और आकार सामग्री को बढ़ाने में योगदान करते हैं। बेहतर पोषक तत्वों की उपलब्धता, अनुकूलित विकास की स्थिति, तनाव सहनशीलता और बीमारी की रोकथाम के संयोजन से धान की फसलें स्वस्थ और अधिक उत्पादक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अनाज की गुणवत्ता में सुधार होता है। धान की खेती के लिए जैविक कीट नियंत्रण, खुबा उत्पाद, सहयोगी पौधे और सतत कृषि के लिए मछली एकीकरण के साथ सामंजस्यपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र। धान के पौधों पर हमला करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए जाने जाने वाले कीड़ों और कीटों में शामिल है राइस हिस्पा डिक्लाडिस्पा आर्मिगेरा। यह कीट धान के पौधों की पत्तियों को खाता है, जिससे पत्तियों पर सफेद या पारदर्शी धब्बे पड़ जाते हैं। धान के तने में छेद करने वाला कीट स्किरपोफगा इंसेटुलस। इस कीट के लार्वा धान के पौधों के तने में घुस जाते हैं, जिससे पौधे मुरझा जाते हैं, विकास रुक जाता है और अनाज की गुणवत्ता कम हो जाती है। राइस लीफ कैनफेलोक्रोसिस मेडिनेलिस। इस कीट के लार्वा धान के पौधों की पत्तियों को मोड़ते हैं और खाते हैं, जिससे पत्तियां सूखने लगती हैं, पीली पड़ जाती है और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। राइस वोरल मैगोट हाइड्रेलिया एसपीपी। इस कीट के लार्वा धान के पौधों की पत्तियों के घेरे में सुरंग बनाकर घुस जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मृत हृदय हो जाते हैं और टिलर का विकास कम हो जाता है। खुबा का नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल और मृदा बूस्टर उनकी जैविक संरचना और लक्षित कीट नियंत्रण क्षमताओं के संदर्भ में कीट नियंत्रण में योगदान देता है। नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल। खुबा के नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल में प्राकृतिक कीटनाशक और रोगाणुरोधी गुण होते हैं, जो विभिन्न कीटों के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करते हैं। यह कीड़ों के भोजन और प्रजनन पैटर्न को बाधित करता है, उनकी आबादी को कम करता है और संक्रमण को रोकता है। मृदा बूस्टर। खुबा सॉइल बूस्टर नीम के बीज और कार्बनिक कार्बन के मिश्रण के साथ जड़ विकास को बढ़ाता है, पोषक तत्वों की मात्रा में सुधार करता है और पौधों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। स्वस्थ पौधे कीटों के हमलों का विरोध करने और उनसे उबरने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से कीट नियंत्रण में योगदान करते हैं। खुबा सॉइल कंडीशन और ग्रोथ प्रमोटर स्वास्थ्य और कीड़ों के प्रतिरोध में योगदान करते हैं।
मृदा कंडीशनर। खुबा मृदा कंडीशनर मिट्टी को आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों, ह्यूमिक एसिड और कार्बनिक कार्बन से समृद्ध करता है। यह बेहतर पोषक तत्व अवशोषण और जड़ विकास में सहायता करता है, जिससे पौधे कीटों और बीमारियों के प्रति अधिक लचीले बनते हैं। ग्रोथ। खुबा ग्रोथ ग्रोथ प्रमोटर शैवाल का अर्थ ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड होता है, जो स्वस्थ पौधों के विकास को बढ़ावा देता है और कीड़ों के हमलों सहित तनाव के प्रति पौधों की सहनशीलता को बढ़ाता है। यह पौधों को कीड़ों के संक्रमण का सामना करने और उनसे उबरने में मदद करता है। कीट विकर्षक गुणों वाले उपयुक्त साथी पौधे, जिन्हें रणनीतिक रूप से धान के पौधों के साथ लगाया जा सकता है, उनमें शामिल है गेंदा। गेंदे के पौधे एक तेज सुगंध छोड़ते हैं, जो नेमाटोड, एफिड्स और व्हाइट फ्लाइज जैसे कीड़ों को दूर भगाता है। धान के खेतों के चारों ओर गेंदा लगाने से इन कीटों को रोकने में मदद मिल सकती है। लेमन ग्रास। लेमन ग्रास से नींबू जैसी गंध निकलती है, जो मच्छरों, चावल के पत्तों के फोल्डर और टिड्डों जैसे कीटों को दूर भगाती है। धान के खेतों के आसपास लेमन ग्रास के पौधे लगाने से इन कीटों के खिलाफ प्राकृतिक निवारक के रूप में काम किया जा सकता है। कैस्टर बीन। कैस्टर बीन के पौधों में रिसिनोलिक एसिड होता है, जो सफेद मक्खी और एफिड जैसे कीड़ों को दूर भगाता है। धान के खेतों के चारों ओर सीमा के रूप में अरंडी के पौधे लगाने से इन कीटों को दूर रखने में मदद मिल सकती है। पवित्र तुलसी। तुलसी। पवित्र तुलसी में मजबूत सुगंधित गुण होते हैं, जो मच्छरों, एफिड्स और लीफ हॉपर्स जैसे कीटों को दूर भगाते हैं। धान के खेतों के पास पवित्र तुलसी का पौधा लगाना इन कीटों के खिलाफ प्राकृतिक निवारक के रूप में काम कर सकता है। धान के खेतों में मछली डालने के लाभ। प्राकृतिक कीट नियंत्रण। मछली की कुछ प्रजातियां, जैसे कि गंबूसिया मछली, मच्छरों के लार्वा और अन्य कीट कीटों को खाती है, जो धान के खेतों के स्थिर पानी में प्रजनन करते हैं। इससे मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और मच्छर जनित बीमारियों की घटनाओं में कमी आती है। जैविक उर्वरक। मछली का मल और विघटित मछली अपशिष्ट प्राकृतिक उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं, जो धान के खेतों को आवश्यक पोषक तत्वों से समृद्ध करते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है और धान के पौधों की वृद्धि और विकास में सहायता मिलती है। कीट नियंत्रण के लिए खुबा उत्पादों और साथी पौधों के उपयोग के लाभ और लाभों में शामिल है। जैविक और पर्यावरण के अनुकूल खुबा उत्पाद और साथी पौधे जैविक हैं और इनमें हानिकारक रसायन या सिंथेटिक कीटनाशक नहीं होते हैं। वे पर्यावरण, लाभकारी कीड़ों और गैरलक्षित जीवों पर नकारात्मक प्रभाव को कम करते हुए प्रभावी कीट नियंत्रण समाधान प्रदान करते हैं। लक्षित कीट नियंत्रण। खुबा उत्पाद और साथी पौधे कीटों की आबादी को रोकने, बाधित करने या कम करके लक्षित कीट नियंत्रण प्रदान करते हैं। यह एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने में मदद करता है और रासायनिक कीटनाशकों के अति प्रयोग को रोकता है। संक्रमण की रोकथाम। पौधों के स्वास्थ्य, शक्ति और तनाव सहनशीलता को बढ़ावा देकर खुबा उत्पाद और साथी पौधे कीटों के संक्रमण को रोकने में मदद करते हैं। स्वस्थ पौधे कीटों के प्रति कम संवेदनशील होते हैं और कीटों के हमलों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं। उन्नत पादप स्वास्थ्य। खुबा उत्पादों और साथी पौधों का उपयोग समग्र पादप स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का समर्थन करता है। वे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जड़ विकास को बढ़ावा देते हैं, पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करते हैं और पौधों की बीमारियों और कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। रासायनिक भार में कमी। जैविक और प्राकृतिक कीट नियंत्रण विधियों का उपयोग करके रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो जाती है। इससे पर्यावरण पर रासायनिक भार कम होता है, लाभकारी सुरक्षा होती है कीड़े
और टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है। खुबा उत्पादों और साथी पौधों को धान की खेती के तरीकों में शामिल करके किसान प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल कीट नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, पौधों के स्वास्थ्य और शक्ति को बढ़ा सकते हैं, रासायनिक इनपुट को कम कर सकते हैं और अंततः टिकाऊ और स्वस्थ धान उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं। धान की खेती में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देना, खुबा उत्पाद और टिकाऊ कृषि के लिए रोग निरोधक सहयोगी पौधे। धान के पौधों को प्रभावित करने वाले रोगों में शामिल हैं राइस ब्लास्ट पायरिकुलेरिया ओरिजा, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ज़ैंथोमोनास ओरिजे पीवी ओरिजे, शीत ब्लाइट राइजोक्टोनिया सोलानी, भूरा धब्बा बाइपोलारिस ओरिजा, टुंग्रो रोग राइस टुंग्रो बैसिलिफॉर्म वायरस और राइस टुंग्रो गोलाकार वायरस, राइस शीत रोट सारोक्लाडियम ओरिजा, झूठी स्मट उस्टिलागिनोइडिया विरिंग्स, बैक्टीरियल पैनिकल ब्लाइट बर्कहोल्डेरिया ग्लूमे, बैक्टीरियल स्ट्रीक ज़ैंथोमोनास ओरिजे पीवी ओरिजिकोला, राइस ग्रासी स्टंट आरजीएस नाकामुरेला पैनाकार बोरिस। खुबा उत्पादों के प्राथमिक और द्वितीयक घटक धान के पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में योगदान करते हैं। खुबा सॉइल कंडीशन में आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्व ह्यूमिक एसिड और कार्बनिक कार्बन पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। संतुलित खनिज संरचना पौधों के लिए इष्टतम पोषण सुनिश्चित करती है, जिससे वे संक्रमण से लड़ने और तनाव से उबरने में सक्षम होते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। खुबा मृदा बूस्टर में नीम के बीज और कार्बनिक कार्बन का प्राकृतिक मिश्रण रोगानुरोधी गुणों को प्रदर्शित करता है, जो मिट्टी में रोग पैदा करने वाले रोगजनकों के विकास को रोकता है। इससे मृदा जनित बीमारियों का खतरा कम हो जाता है और बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलती है। खुबा ग्रोथ प्रमोटर शैवाल का अर्क ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड होते हैं, जो पौधे की प्रतिरक्षा और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। पौधे की रक्षा तंत्र को बढ़ाकर यह बीमारियों को रोकने में मदद करता है और संक्रमण से उबरने में सहायता करता है। खुबा नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल के घटक जैसे कि एजाडिरेक्टिन, सिट्रल, सिट्रोनेलोल, लिनालूल, गेरानिल एसिटेट, लिनालिल एसिटेट, मेंथोल, मेंथोन, गेरानियोल, पिनीन, लिमोनेन, ओसिमीन, टेरपेनोलीन, टेरपिनोल और मिथाइल हेप्टानोन में रोगाणुरोधी और कीटनाशक गुण होते हैं। कीटों को नियंत्रित करके तेल अप्रत्यक्ष रूप से कीड़ों द्वारा किए गए रोग पैदा करने वाले रोगजनकों के संचरण को रोकता है। धान की खेती में रोग की रोकथाम के लिए सहयोगी पौधे लहसुन। लहसुन में प्राकृतिक एंटीफंगल और जीवाणुरोधी गुण होते हैं, जो इसे चावल ब्लास्ट और शीत ब्लाइट जैसी बीमारियों के खिलाफ प्रभावी बनाता है। गुलदाउदी के पौधों में पाइरेथ्रिन होता है, एक प्राकृतिक कीटनाशक जो कीटों को नियंत्रित करता है और रोग संचरण के जोखिम को कम करता है। गेंदे के पौधों में रोगाणुरोधी गुण होते हैं, जो मिट्टी से पैदा होने वाले रोगजनकों को कम करते हैं और शीत रॉट जैसी बीमारियों को रोकते हैं। पवित्र तुलसी में रोगाणुरोधी और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो बीमारियों को रोकने और रोगजनकों के प्रसार को सीमित करने में मदद करते हैं। धनिया में प्राकृतिक कवकनाशी गुण होते हैं, जो धान के खेतों में कवक रोगों के नियंत्रण में सहायता करते हैं। सेजबानिया रोस्ट्रेटा। सेजबानिया एक नाइट्रोजन फिक्सिंग कवर फसल है, जो मिट्टी को समृद्ध करती है, अप्रत्यक्ष रूप से स्वस्थ चावल के विकास को बढ़ावा देकर बीमारी की रोकथाम में योगदान देती है। सूरजमुखी हेलियंथस एनोस। सूरजमुखी भिंडी और मधुमक्खियों जैसे लाभकारी कीड़ों को आकर्षित करते हैं, कीट नियंत्रण में योगदान करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से बीमारी की रोकथाम में सहायता करते हैं। ल्यूकेना ल्यूकोसेफला। ल्यूकेना
एक नाइट्रोजन फिक्सिंग पेड़ धान के खेतों के आसपास लगाया जा सकता है। पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार और बेहतर पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। जल पालक इपोमिया एक्वाटिका। जल पालक एक आवरण फसल के रूप में कार्य करता है, खरपतवार की वृद्धि को रोकता है और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है, अप्रत्यक्ष रूप से रोग की रोकथाम में सहायता करता है। नीम अजादिराक्ता इंडिका। नीम के पेड़ प्राकृतिक कीट विकर्षक के रूप में कार्य करते हैं, जो कीटों के दबाव और कीड़ों द्वारा फैलने वाली बीमारियों के संचरण को कम करने में मदद करते हैं। खुबा उत्पादों और रोग निवारक साथी पौधों का संयोजन रोग नियंत्रण के लिए जैविक और पर्यावरण के अनुकूल समाधान प्रदान करता है। वे पौधे की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं, रोगजनकों के विकास को रोकते हैं, समग्र पौधे के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और रासायनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम करते हैं। इन प्रथाओं को लागू करके किसान धान की टिकाऊ और उत्पादक खेती में योगदान देकर इष्टतम पौधों की वृद्धि, उच्च पैदावार और कम रासायनिक भार प्राप्त कर सकते हैं। जलवायु संबंधी विविधताएं। मृदा कंडीशन, मृदा बूस्टर, ग्रोथ प्रोमोटर, हॉर्टिकल्चर ऑयल सहित खुबा उत्पाद मिट्टी की संरचना में सुधार, नमी के स्तर को विनियमित करने, हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति को बढ़ावा देने और रक्षा तंत्र को मजबूत करके धान के पौधों में जलवायु सहनशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कारक सामूहिक रूप से धान के पौधों को तापमान में उतार चढ़ाव, नमी तनाव और अन्य पर्यावरणीय कारकों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। मिट्टी की संरचना में सुधार। खुबा सॉइल कंडीशन मिट्टी को आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों, ह्यूमिक एसिड और कार्बनिक कार्बन से समृद्ध करता है। इससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, जिससे बेहतर वातन और जल घुसपैठ की अनुमति मिलती है। एक अच्छी तरह से संरचित मिट्टी जड़ों के विकास और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाती है, जो जलवायु तनाव के प्रति पौधे की लचीलापन के लिए महत्वपूर्ण है। नमी के स्तर को विनियमित करना। खुबा उत्पाद मिट्टी में बेहतर नमी विनियमन में योगदान करते हैं। मृदा कंडीशन अपनी खनिज संरचना के साथ नमी बनाए रखने में मदद करता है, वाष्पीकरण के कारण होने वाले पानी के नुकसान को रोकता है। मृदा बूस्टर, ग्रोथ प्रोमोटर, हॉर्टिकल्चर ऑयल जड़ वृद्धि और जल धारण क्षमता को बढ़ाकर इष्टतम नमी के स्तर को बनाए रखने में भी सहायता करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति को बढ़ावा देना। खुबा उत्पादों की हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति, विशेष रूप से मृदा कंडीशन, मिट्टी को हवा से नमी को अवशोषित करने और बनाए रखने में मदद करती है। यह पौधों को पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है, विशेष रूप से शुष्क या गर्म अवधि के दौरान नमी तनाव के जोखिम को कम करता है। रक्षा तंत्र को मजबूत करना। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर हॉर्टिकल्चर ऑयल में अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड और पौधों के अर्क जैसे विभिन्न लाभकारी घटक होते हैं, जो पौधों की रक्षा तंत्र को बढ़ाते हैं। ये उत्पाद पौधे में तनाव संबंधी प्रोटीन और एंजाइमों के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं, जिससे यह प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो जाता है। कुशल जल उपयोग और जलयोजन। खुबा उत्पादों का उपयोग धान के पौधों द्वारा पानी की खपत और उपयोग को अनुकूलित करता है। उन्नत जड़ विकास और पोषक तत्वों का अवशोषण पौधों को उपलब्ध जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम बनाता है, जिससे वे अधिक सूखा सहिष्णु बन जाते हैं। आसपास के ठंडे वातावरण का निर्माण। खुबा उत्पादों की हाइड्रोस्कोपिक प्रकृति आवश्यकतानुसार पौधों को धीरे धीरे नमी जारी करके आसपास के वातावरण को ठंडा बनाए रखने में मदद करती है। यह शीतलन प्रभाव पौधों की वृद्धि पर उच्च तापमान के प्रभाव को कम करता है और तनाव प्रेरित क्षति को कम करता है। मिट्टी की संरचना को बढ़ाकर नमी के स्तर को नियंत्रित करके हाइड्रोस्कोपिक प्रकृति को बढ़ावा देकर और रक्षा तंत्र को मजबूत करके
खुबा उत्पाद धान के पौधों की जलवायु सहनशीलता में सुधार करने में योगदान करते हैं। ये उत्पाद चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति के दौरान पौधों को आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें इष्टतम जलयोजन बनाए रखने, नमी के तनाव का विरोध करने और उपलब्ध जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की अनुमति मिलती है। अंततः यह धान के पौधों के समग्र स्वास्थ्य और शक्ति में योगदान देता है। विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में पनपने की उनकी क्षमता को बढ़ाता है और बेहतर फसल उत्पादकता सुनिश्चित करता है। फसल चक्र। फसल चक्रण एक आवश्यक कृषि पद्धति है, जिसमें एक ही खेत में कई मौसमों में व्यवस्थित क्रम में विभिन्न फसलें उगाना शामिल है। यह प्रथा टिकाऊ खेती के लिए, विशेषकर धान की खेती में, कई लाभ प्रदान करती है। यहाँ बताया गया है कि फसल चक्र विशेष रूप से फलियां या गैर चावल फसलों के साथ महत्वपूर्ण क्यों है। कीट और रोग प्रबंधन। एक खेत में लगातार एक ही फसल बोने से उस फसल के लिए विशिष्ट कीट और बीमारियां पैदा हो सकती हैं। चावल को फलियां या गैर चावल वाली फसलों के साथ उगाने से कीटों और बीमारियों का जीवन चक्र बाधित हो जाता है। अलग अलग फसलें अलग अलग कीटों को आकर्षित करती हैं, और जब कीटों को प्रतिकूल मेजबान पौधे का सामना करना पड़ता है तो उनकी आबादी कम हो जाती है, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। मिट्टी की उर्वरता में सुधार। विभिन्न फसलों की पोषक तत्वों की आवश्यकताएं और जड़ संरचनाएं अलग अलग होती है। चावल को फलियां, जिन्हें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले पौधे या अन्य गैर चावल फसलों के रूप में जाना जाता है, के साथ उगाकर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। फलियों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करने की क्षमता होती है, जिससे यह इस महत्वपूर्ण पोषक तत्व से समृद्ध हो जाती है। नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ने से चावल की अगली फसल को लाभ होता है, जिससे बेहतर विकास और अधिक पैदावार होती है। खरपतवार नियंत्रण। फसल चक्र से खरपतवार प्रबंधन में भी मदद मिल सकती है। अलग अलग फसलें मिट्टी की छाया अलग अलग कर सकती हैं, जिससे खरपतवार की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। गैर चावल फसलों के साथ घूमने से खरपतवार चक्र बाधित हो सकता है। विशिष्ट खरपतवार प्रजातियों की व्यापकता कम हो सकती है और शाकनाशियों की आवश्यकता कम हो सकती है। पोषक तत्व संतुलन। विभिन्न फसलों में पोषक तत्व ग्रहण करने का पैटर्न अलग अलग होता है। लगातार चावल की खेती से मिट्टी में विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिससे असंतुलन पैदा हो सकता है। पूरक पोषक तत्वों की आवश्यकता वाली फसलों के साथ चक्रण करके मिट्टी में समग्र पोषक तत्व संतुलन को बनाए रखा या सुधारा जा सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता। जब एक ही फसल बार बार उगाई जाती है तो कुछ रोगजनक मिट्टी में जमा हो सकते हैं। परिचय देने से रोटेशन के दौरान गैर चावल फसलों या प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करके विशिष्ट बीमारियों की घटना को कम किया जा सकता है, जिससे स्वस्थ और अधिक लचीली फसलों को बढ़ावा दिया जा सकता है। टिकाऊ मृदा प्रबंधन। फसल चक्र टिकाऊ कृषि का एक अभिन्न अंग है। यह मिट्टी के स्वास्थ्य को संरक्षित करने में मदद करता है, पोषक तत्वों की कमी को रोकता है और रासायनिक आदानों की आवश्यकता को कम करता है और अधिक पर्यावरण अनुकूल कृषि प्रणाली को बढ़ावा देता है। धान की खेती प्रणालियों में फसल चक्र को शामिल करने से, विशेष रूप से फलियां या अन्य गैर चावल फसलों के साथ कीट और रोग चक्र को तोड़ा जा सकता है, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो सकती है और एक स्वस्थ और अधिक उत्पादक कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिल सकता है। पर्यावरणीय प्रभावों को कम करते हुए और इष्टतम फसल स्वास्थ्य और उत्पादकता को बनाए रखते हुए धान की खेती की दीर्घकालिक व्यवहार्यता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यह एक अमूल्य अभ्यास है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैव विविधता को बढ़ावा देना और मिट्टी को समृद्ध करना।
नाइट्रोजन फिक्सिंग साथी पौधे जैव विविधता को बढ़ावा देने और धान के बागानों में मिट्टी की उर्वरता को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया, जिन्हें राइजोबिया कहा जाता है, के साथ सहजीवी संबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे रूप में परिवर्तित करते हैं जो पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है और यह मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने में मदद करती है, जिससे न केवल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले पौधों को बल्कि धान के पौधों सहित आसपास की फसलों को भी लाभ होता है। इसके अतिरिक्त साथी पौधे अपनी प्रकाश संश्लेषक गतिविधि के माध्यम से कार्बन निर्धारण में योगदान करते हैं, जो मिट्टी के स्वास्थ्य और कार्बनिक पदार्थ सामग्री को बेहतर बनाने में मदद करता है। यहाँ नाइट्रोजन फिक्सिंग साथी पौधों की एक विस्तृत सूची दी गई है, जो धान के रोपण में फायदेमंद हो सकते हैं। फलीदार आवरण फसलें सेस्बानिया सेस्बानिया रोस्ट्रेटा, लोबिया विग्ना अनगुइकुलाटा, मूंग बीन विग्ना रेडिएटा, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, मखमली बीन मुकुना प्रूरियंस, लाल तिप्तिया घास ट्राइफोलियम प्रेटिंस, हरी खाद वाली फसलें सुन्न गांजा क्रोटिलारिया जंसिया, सफेद मीठा तिप्तिया घास मेलिलोटस एल्बस, अल्फाल्फा मेडिकेगो सैटिवा, बालों वाली वेचविकिया विलोसा, शीतकालीन मटर पिसम सैटिवम, मेथी ट्राइगोनेला फोनमग्रेकम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले पेड़ और झाड़ियाँ बबूल बबूल एसपीपी, ल्यूकेना ल्यूकेना ल्यूकोसिफ्ला, सेस्बानिया सेस्बानिया एसपीपी, अल्बिजिया अल्बिजिया एसपीपी, मिमोसा मिमोसा एसपीपी। धान के बागानों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहयोगी पौधों को शामिल करने के लाभ: सिंथेटिक उर्वरकों पर निर्भरता कम, नाइट्रोजन फिक्सिंग संयंत्र प्राकृतिक रूप से मिट्टी के नाइट्रोजन स्तर में सुधार करते हैं, जिससे सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरकों की आवश्यकता कम हो जाती है। इससे उत्पादन लागत कम करने में मदद मिलती है और उर्वरक अपव्यय से पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। बेहतर जैव विविधता साथी पौधों को शामिल करने से धान के खेतों में पौधों की विविधता बढ़ती है, जिससे एक स्वस्थ और अधिक लचीला पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। जैव विविधता लाभकारी कीड़ों और सूक्ष्मजीवों को बढ़ावा देती है, जो प्राकृतिक कीट नियंत्रण और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार में योगदान करते हैं। मिट्टी का कटाव और खरपतवार का दबाव कम, कवर फसलों और साथी पौधों की उपस्थिति मिट्टी को कटाव से बचाने में मदद करती है, खासकर भारी बारिश या तेज हवाओं के दौरान। उनकी सघन वृद्धि खरपतवार के विकास को भी रोकती है, जिससे पोषक तत्वों और पानी के लिए धान के पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि: नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले पौधे मिट्टी को कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध करते हैं, जिससे इसकी संरचना और जलधारण क्षमता में सुधार होता है। इससे मिट्टी स्वस्थ होती है, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है और पौधों की समग्र वृद्धि बेहतर होती है। सतत कृषि को बढ़ावा देना: नाइट्रोजन स्थिरीकरण और कार्बन पृथक्करण जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देकर स्थायी कृषि पद्धतियों के साथ सहयोगी पौधों को शामिल करना, दीर्घकालिक मिट्टी के स्वास्थ्य और फसल उत्पादकता को बढ़ावा देना। धान की खेती में लाभकारी सीमा पौधों की सूची: मैरीगोल्ड टैगेट्स एसपीपी। मैरीगोल्ड प्राकृतिक कीट प्रतिकारक के रूप में कार्य करते हैं, कीटों को धान के खेतों में प्रवेश करने से रोकते हैं। गुलदाउदी क्राइसेंथेमम एसपीपी। गुलदाउदी में भी कीटकशक गुण होते हैं और यह कीटों को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। लेमन ग्रास सिम्बोपोगोन एसपीपी। लेमन ग्रास में रोगाणुरोधी गुण होते हैं और यह बीमारियों के प्रसार को कम करने में मदद कर सकता है। पुदीना मेंथा एसपीपी। पुदीना के पौधे कुछ कीड़ों को दूर भगाते हैं और मिट्टी के स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकते हैं। धनिया कोरिएंडरम सैटिवम। धनिया में प्राकृतिक कवकनाशी गुण होते हैं, जो कवक रोगों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
धान की खेती में नाइट्रोजन फिक्सिंग साथी पौधों और लाभकारी सीमावर्ती पौधों को शामिल करने से मिट्टी की उर्वरता में सुधार, कीट नियंत्रण, सिंथेटिक इनपुट निर्भरता और समग्र टिकाऊ कृषि प्रथाओं सहित कई लाभ मिलते हैं। जैव विविधता को बढ़ाकर और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर किसान उच्च फसल पैदावार प्राप्त कर सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और अपने धान के बागानों में दीर्घकालिक उत्पादकता सुनिश्चित कर सकते हैं। धान की खेती में आक्रामक पौधों की सूची और उनकी रोकथाम। जलकुंभी इचोर्निया क्रेसिप्स, मगरमच्छ खरपतवार अल्टरनेथेरा फिलोक्सेरोड्स, जल सलाद पिस्टिया स्ट्रैटियोट्स, जल फ्रेजोला एसपीपी, वाटर प्रिमरोज लुडविगिया एसपीपी, नटग्रास साइपरस रोटंडस, जल मिमोसा नेपच्यूनिया ओलेरासिया, वाटर पेनीवॉर्ट हाइड्रोकोटाइल एसपीपी, वाटर चेस्टनट ट्रैपा नटंस, पर्पल लूसेस्टर फ्लिथ्रम सेलिकेरिया। धान की खेती के लिए रोकथाम के तरीके। नियमित निरीक्षण। आक्रामक पौधों की प्रजातियों के किसी भी लक्षण के लिए धान के खेतों का नियमित निरीक्षण करें। शीघ्र पता लगाने और त्वरित कार्रवाई से उनके प्रसार और स्थापना को रोका जा सकता है। उचित क्षेत्र स्वच्छता सुनिश्चित करें कि धान के खेतों में उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरण, मशीनरी और वाहन साफ है और किसी भी पौधे सामग्री से मुक्त है जो आक्रामक बीज या टुकड़े ले जा सकते हैं। उचित अपशिष्ट निपटान। नए क्षेत्रों में आक्रामक पौधों के बीजों के प्रवेश से बचने के लिए पौधों के अवशेषों और काटी गई सामग्रियों का उचित तरीके से निपटान करें। दूषित जल स्रोतों से बचें। दूषित स्रोतों से पानी के उपयोग को रोकें जो आक्रामक पौधों के प्रसार को ले जा सकते हैं। स्वच्छता संबंधी प्रथाओं को लागू करना। आक्रामक पौधों के बीजों या टुकड़ों के एक खेत से दूसरे खेत में आकस्मिक स्थानांतरण को रोकने के लिए अच्छी स्वच्छता अपनाएं। प्रारंभिक नियंत्रण उपाय। यदि आक्रामक पौधों का पता चलता है तो उनके तेजी से प्रसार को रोकने के लिए तत्काल नियंत्रण उपाय करें, जैसे कि मैन्युअल रूप से हटाना, काटना या लक्षित शाकनाशी अनुप्रयोग। फसल चक्रण। आक्रामक पौधों के जीवन चक्र को बाधित करने और धान के खेतों में उनकी स्थापना को कम करने के लिए फसल चक्रण प्रथाओं को लागू करें। मल्चिंग। खरपतवार की वृद्धि को दबाने और आक्रामक पौधों को खेतों में स्थापित होने से रोकने के लिए जैविक गीली घास का उपयोग करें। जैविक नियंत्रण। प्राकृतिक शिकारियों या शाकाहारी जीवों को शामिल करने पर विचार करें जो आक्रामक पौधों को खाते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए सावधान रहें कि वे लाभकारी देशी पौधों या धान की फसल को नुकसान न पहुंचाएं। उचित जल प्रबंधन। आक्रामक जलीय पौधों की वृद्धि और प्रसार को हतोत्साहित करने के लिए उचित जल स्तर और जल निकासी बनाए रखें। सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा। किसानों और स्थानीय समुदाय को आक्रामक पौधों के जोखिमों और उनके परिचय और प्रसार को रोकने के महत्व के बारे में शिक्षित करें। इन रोकथाम विधियों को लागू करके और आक्रामक पौधों की उपस्थिति का तुरंत समाधान करके धान किसान अपने खेतों को इन आक्रामक पौधों की प्रजातियों के नकारात्मक प्रभावों से बचा सकते हैं और अपनी धान की फसल के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बनाए रख सकते हैं। खूबा उत्पाद, जिनमें खूबा सॉइल कंडीशनर, खूबा सॉइल बूस्टर, खूबा ग्रोथ प्रमोटर हॉर्टिकल्चर ऑयल शामिल है, धान की खेती के लिए व्यापक लाभ प्रदान करते हैं, जो जैविक कृषि के लिए एक लागत प्रभावी और टिकाऊ दृष्टिकोण पेश करते हैं। धान की वृद्धि के पूरे चरण में खुबा उत्पाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोपण पूर्व चरण। खुबा सॉइल कंडीशन मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्वों, ह्यूमिक एसिड और कार्बनिक कार्बन से समृद्ध करता है, जिससे अंकुरों के मजबूत विकास के लिए पोषक तत्वों से भरपूर वातावरण तैयार होता है। नर्सरी चरण। खुबा सॉइल बूस्टर जड़ की वृद्धि और पौधों में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे रोपाई से पहले जोरदार विकास सुनिश्चित होता है।
प्रत्यारोपण चरण खुबा सॉइल बूस्टर और खुबा ग्रोथ प्रोमोटर प्रत्यारोपित पौधों को और अधिक समर्थन देता है। स्वस्थ जड़ प्रणाली समग्र पौधे के विकास और फूल को बढ़ावा देता है। वनस्पति विकास चरण खुबा ग्रोथ प्रोमोटर दौरान मजबूत पत्ती और तने के विकास को प्रोत्साहित करते हुए महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करता रहता है। प्रजनन चरण खुबा ग्रोथ प्रोमोटर एसिड और समुद्री शैवाल का अर्क फूल और अनाज की गुणवत्ता को बढ़ावा देता है, जिससे उपज क्षमता का अनुकूलन होता है। पकने और कटाई का चरण पूरे विकास चरण के दौरान खुबा उत्पाद स्वस्थ पौधों के विकास और तनाव सहनशीलता को बढ़ाने में योगदान करते हैं, जिससे अनाज का पकना और पैदावार बेहतर होती है। खुबा उत्पादों के उपयोग के लाभ व्यक्तिगत चरणों से परे हैं। पर्यावरणीय स्थिरता खुबा की जैविक और पर्यावरण अनुकूल प्रकृति टिकाऊ कृषि पद्धतियों के साथ संरेखित होती है, जो मिट्टी के स्वास्थ्य जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन को संरक्षित करती है। रासायनिक भार में कमी सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करके खुबा उत्पाद रासायनिक अवशेषों को कम करते हैं, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा मिलता है। जैव विविधता संवर्धन लहसुन गुलदाउदी और गेंदा जैसे रोग निवारक साथी पौधों को शामिल करने से जैव विविधता बढ़ती है और प्राकृतिक कीट नियंत्रण को बढ़ावा मिलता है, जिससे एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन होता है। जल दक्षता खुबा उत्पाद धान के पौधों को पानी का कुशलता पूर्वक उपयोग करने मिट्टी की संरचना में सुधार जल संसाधनों के संरक्षण और जल दक्षता को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं। कुल मिलाकर एकीकृत कीट प्रबंधन में उन प्रथाओं को लागू करना शामिल है जो रासायनिक कीटनाशकों पर भारी निर्भरता को कम करते हुए कीटों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए जैविक यांत्रिक और सांस्कृतिक तरीकों को जोड़ती है। खुबा उत्पादों के उपयोग के साथ साथ निवारक देखभाल के तरीके धान की खेती के लिए एक समग्र समाधान प्रदान करते हैं। ये उत्पाद पोषक तत्वों की उपलब्धता रोग प्रतिरोधक क्षमता और तनाव सहनशीलता को बढ़ाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक पैदावार होती है और पौधों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। खुबा उत्पादों रोग निवारक साथी पौधों और टिकाऊ कृषि पद्धतियों का एकीकरण पर्यावरणीय सद्भाव लागत प्रभावशीलता और दीर्घकालिक व्यवहार्यता को बढ़ावा देता है। खुबा उत्पादों और जैविक खेती पद्धतियों को अपनाने से धान की खेती में अधिक टिकाऊ और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी के संसाधनों की सुरक्षा होती है।